वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन के अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं मैं सभी को टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूं, और इसके पहले लगभग लगभग 8 से 10 वीडियो आ गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाके देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं मैं वही प्रश्न करवा रहा हूं, और पूरी वीडियो देखने के बाद जितनी प्लेलिस्ट में है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर जो मैथ के प्रश्न के डर हैं सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको आसानी भाषा में और बेहतर समझा रहा हूं, जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक आना चाहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पर फिर मिल जाएगा। मैं टॉपिक वाइज पूरा कवर करवा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। ए के पास 63 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं और बी के पास 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के होंगे? अब आपको ये बताना है। देखिए, ए के पास 63 ग्राम के हैं और बी के पास 77 ग्राम के हैं, और पूछा गया ए और बी के पास कम से कम एक साथ कितने सिक्के होंगे। जब एक साथ की बात कर दी जाए तो ए के पास 63 है ये लिख लेना है, और बी के पास कितना है 77, और 63-77 का आपको मासा लेना है, महत्तम समापवर्तक लेना है। तो 63-77 का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 7 होता है, ये आपको आना चाहिए निकालना। अब देखिए, अगर ए के पास 63 है और बी के पास 77 है तो कुछ नहीं करना है, ए के पास कम से कम कितना होगा, जो महत्तम समापवर्तक 7 आया उसी से भाग दे देना, 7 × 9 = 63 कितना आया 9, और इस 7 से फिर इसमें भाग देना, ये कितनी बार में कटा 11 बार में, तो ए के पास 9 आया, ए के पास और बी के पास 11, तो दोनों मिला के कितना हो गया, हम जोड़ लेंगे 11 × 9 हो गया 20, तो दोनों के पास कम से कम कितने सिक्के होंगे 20, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबाई 44 मीटर, 66 मीटर, 88 मीटर और 110 मीटर, 44, 66, 88 मीटर, 110 मीटर को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई की। जब आपसे अधिकतम लंबाई पूछे, जैसे आपको समझ लेना है क्या निकालना है, इसका महत्तम समापवर्तक। अगर आपसे लघुत्तम इकाई या न्यूनतम इकाई पूछे तो आपको समझ जाना है क्या निकालना है, लासा। लेकिन यहाँ पे अधिकतम कहा गया है तो हमें पता है क्या निकालना है, इसका मासा। तो 44, 66, 88, 110 का हमें केवल मासा निकाल लेना है। 44, 66, 88 और 110 का क्या निकाल लेना है, मासा। अब मासा महत्तम समापवर्तक आपको निकालना आता भी है और आप आसानी से निकाल कर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर हम आपसे बताएं, अगर आपको बिल्कुल आसानी से और हल करना है तो आपको देखना है कि सबसे इजी कौन से ऑप्शन से सभी कट रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे सी जो है 22 से 44 भी कट रहा है, 22 से 66 भी कट रहा है, 22 से 88 भी कट रहा है और 22 से 110 भी कट रहा है, तो इसका मासा अगर आप ऐसे ही जान गए कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं तो आप 44, 66, 88, 110 का मासा निकाल लीजिए। इतना मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मासा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर और 144 मीटर और 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही अधिकतम लंबाई कहा जाए, जैसे आपको पता है क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है, और मासा आप निकाल लीजिए किसका, 72 का, 108 का, 144 का, 180 का, जो इसका मासा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों, हमें साफ साफ दिख रहा है, मासा भी निकालने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे जो 36 है, 36 से 72 भी कट रहा है, 36 × 72, 36 तैयार 108 होता है, और 36 को 4 से करेंगे, 36 × 4 = 144 होता है, और 36 × 5 = 180 होता है, इसका मासा भी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लंबाई 44 मीटर, 66 मीटर, 88 मीटर और 110 मीटर को पूर्णतः मापने के लिए
मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई। फिर आपसे पूछा गया अधिकतम लंबाई, तो अभी अब मैंने आपको बताया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न, 0.9, 0.48 और 0.525 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो हमें क्या करना होगा। पहले जो 0.9 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 0.9, अब यहाँ पे आप देखिए 9 के बाद कितना पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1, तो हमें क्या कर देना होगा, 10। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हम 20 बढ़ाएंगे, और पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो हम 30 बढ़ाएंगे। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, इसमें देखें पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम 10 बढ़ाएंगे और क्या लिख देंगे, 9/10। ऐसे यहाँ 48 देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, हम 20 बढ़ा देंगे, 48/100। ऐसे हम 525 देखेंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 525/ क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, मासा, महत्तम समापवर्तक। अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर का निकलता है मासा और नीचे का निकलता है लासा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो डेली देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ डाउट जो मैं नहीं बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, तो ऊपर का मासा निकाल रहा है 9.48, 525 का। अब देखिए 9.48, 525 का अगर आप मासा निकालते हैं तो देखिए सब ऑप्शन में ऊपर 3, 3, 3 दिया गया, इससे क्या पता चलता है कि 9.48, 525 का जो मासा होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। अगर आपको नहीं पता है कि 3 होगा तो आप 9.48, 525 का ऊपर का मासा निकाल सकते हैं। अब 10, 100, 1000 का आपको क्या निकालना है, 10, 100, 1000 का निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, नीचे लासा। अब देखिए 10, 100, 1000 अगर हम देखें 10, 100, 1000 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं या आप वैसे ही देख सकते हैं कि ये किससे कट रहा है, 400 तो होगा नहीं, 150 होगा नहीं, 200 होगा नहीं, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100, तो 100 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 3/100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो 10, 100, 1000 का लासा भी निकाल सकते हैं, 3/100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखेंगे तो आप आसानी से भी समझ जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको हर प्रश्न के पीछे लॉजिक लगाना है और टाइम को आप खुद बचाना है, तो आप ऐसे ही ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आप मासा लासा निकाल के भी इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 9/13, 7/13, 3/8 का HCF ज्ञात करिए। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपसे कहा अगर HCF कहा गया तो ऊपर का निकलेगा HCF और नीचे का निकलेगा LCM, मतलब कि अंश का निकलेगा HCF और हर का निकलेगा LCM। तो बस कुछ नहीं करना, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यूपी पुलिस, UPSI, SSC GD, MTS, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की GK का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, GK के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरे का पूरा जो डर है GK का वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के GK का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है, pooja.bcit05@okay.sbi, इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वनपाल 52 नीम के पेड़,
और 78 ओक के पेड़ और 104 52 नीम के पेड़ हैं, 78 ओक के पेड़ और 104 बरगद के पेड़ों के समान पंक्तियों में लगाना चाहता है और पेड़ों को अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है तो आवश्यक पंक्तियों संख्या में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताना है 52 नीम के पेड़, 78 ओक के और 104 क्या है बरगद के पेड़ हैं, तो इसमें न्यूनतम पेड़ों की संख्या बतानी है। और मैंने आपसे कहा जब आपसे न्यूनतम पूछा जाए, जब आपसे न्यूनतम पेड़ों की संख्या पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब ये कहा गया है कि मतलब एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ कितने लगेंगे, ये यहाँ पे आप देखिए। अब एक पंक्ति में जब आपसे 52 और 78 और 104 दिया गया, तो अगर 52 पेड़ और 78 पेड़ और 104 पेड़ हैं और एक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे, तो इन तीनों का HCF जो निकाल लेंगे वही जो होगा वही एक पंक्ति में लगने वाले पेड़ होंगे, एक पंक्ति में लगने वाले पेड़ होंगे। तो अगर 52 78 104 का महत्तम समापवर्तक अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 13, क्योंकि 13 से 52 भी कट रहा, 13 से 78 भी कट रहा, 13 से 104, तो एक पंक्ति में केवल कितने पेड़ लगेंगे, 13, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को अगर बढ़ाकर आपसे ये पूछ लिया जाता अगर कहीं कि कुल मिलाकर कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, कुल मिलाकर कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, तो जो मासा 13 आया है, महत्तम समापवर्तक 13 आया है, 13 से आप इस 52 में भाग दे देते, कहते 13 चौका 52 और 13 छक 78 और 13 अट्ठे 104, आप कहते 4 6 10 और 18, 18 कुल मिलाकर पंक्तियाँ बनेंगी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है एक पंक्ति में न्यूनतम कितने संख्या होंगे, तो होंगे 13, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं, पहली किस्म की 449 लीटर और दूसरी किस्म की 462 लीटर और तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है, तो समान आकार के बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध के बिना मिश्रण को भरा जा सके। अब देखिए, पहले आपको उस लीटर को चुनना है जो समान ये तीनों के तीनों ड्रम के जो दूध हैं एक बार में निकल आए। इसके लिए क्या करना होगा, 429 जो है और 462 जो है और 528 जो है, इनका महत्तम समापवर्तक मतलब मासा निकालना होगा। देखिए मैंने बताया कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, बार बार आपको बता दिया, मैंने वीडियो भी बना दिया, आप कहेंगे तो मैं एक सार ट्रिक भी वीडियो लेके आपके लिए आ जाऊंगा कैसे महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। अब 429, 462, 528 का जो मासा होगा वो हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 33। अब आपसे ये पूछा जाता कि वह कौन सा लीटर है जो एक बार में दूध निकाला जा सकता था, तो आप कह देते 33, लेकिन ये नहीं कहा गया आपसे, आपसे कहा गया है भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण से भरा जा सकता है, मतलब एक ड्रम में ये तीनों के तीनों दूध अगर भरा जाए तो कितनी बार में भरा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर इसका HCF 33 आया है तो आपको 33 से इसमें भाग दे देना है पहले, तो आप 429 में भाग देंगे तो 33 एकम 33 और ये काटेंगे लगभग ये कट जाएगा और 33 ये कटेगा 13 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ऐसे आप इसको काटेंगे 33 एकम 33 फिर यहाँ 6 से 3 2 लगभग 33 चौका 14 बार में ये पूरा का पूरा 462 भी कट जाएगा। ऐसे आप अब 528 को काटेंगे तो 33 एकम 33 और ये पीछे 3 छक और 33 छक्का, मतलब कि ये 429 लीटर दूध है ये 13 बार में भर देगा एक एक बार करके, और ये 14 बार में पूरा दूध निकाल के दूसरे में भर देगा और ये तीसरी 16 बार में पूरे दूध को निकाल के भर देगा। तो ऑल ओवर उसने कितनी बार में निकाल लिया, तो हमें इन तीनों को जोड़ लेना है,
4, 3, 7, 6, 13 और 1, 2, 3, 1 हासिल 4 43 बार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रमशः 2, 1 और 0। देखिए इसे आपको निकालने के लिए दो तरीका है, एक आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, पहले ऑप्शन 8 से या 12 से या 16 से या 4 से आप भाग देके देखेंगे, 2 शेष आना चाहिए, फिर 25 से भाग देके देखेंगे 1 आना चाहिए, फिर 32 से देखेंगे 0 आना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सवाल लगाएंगे, 18 से अगर 18 है तो उसमें कितना शेषफल आता है 2, और 25 रहता है तो उसमें कितना शेषफल आता है 1, और अगर 32 रहता है तो उसमें शेषफल कितना आता है 0। अब निकाल देंगे, 18 से 2 निकालेंगे बचेगा 16, 25 से 1 निकालेंगे तो बचेगा 24, और 32 से तो केवल 32 आया है क्योंकि 0 है। अब 16, 24, 32 का आपको क्या निकाल लेना है, 16, 24, 32 का लघुत्तम समापवर्तक लासा, सॉरी दोस्त, 16, 24, 32 का आपको क्या निकाल लेना है, तो 16, 24, 32 का अब आपको निकाल लेना है मासा, मासा कितना आया है 8। कैसे मैंने कह दिया 8, क्योंकि 8 से 16 भी कट रहा है, 8 से 24 भी कट रहा है और 8 से 32 भी कट रहा है, तो मासा इसका 8 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। या आप 16, 24, 32 का महत्तम समापवर्तक ऑलरेडी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है टाइप 3 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर आधारित कुछ मिक्सचर प्रश्न है, इसे भी देखना है क्योंकि पेपर में बने हैं और बनने की संभावना है। दो संख्याओं का मासा, मतलब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक हैं 18 और 21, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आपसे बने जो महत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है 13 दिया गया है और लघुत्तम समापवर्तक के दो भाजक दिए गए हैं 18 और 21, आपसे पूछा गया छोटी संख्या क्या है, जब आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको छोटी संख्या से गुणा कर देना है, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको बड़ी संख्या से गुणा कर देना है, ये ट्रिक याद रखना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या से पूछा गया तो 13 × 18 कर देना है, 18 × 54 जो कि गुणा करेंगे 264 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक हैं 14 और 15, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। मैंने आपसे कहा पहले मासा कितना दिया गया 31, आपको 31 लिख लेना है और लघुत्तम के कौन कौन सी गुणनखंड दिए गए 14 और 15। बड़ी संख्या पूछा गया है तो बड़ी वाले संख्या से नीचे से गुणा कर देना है, 31 × 15 आपको कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 × 15 = 5 हासिल 1, 15 × 45 = 46, 465 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न सेम है, दो संख्याओं का मासा 37 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 15 और 17 हैं, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 24:25 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया गया 24:25 ये संख्या में नहीं है, अगर मैं 24x मानता हूँ और एक 25x है, इनका अगर मैं 24:25 का मासा निकालता हूँ तो हमें पता है एक है सम और एक है विषम, और सम विषम अगर है तो हमें पता है इसका सद्व्यूह मासा 1 आता है, कितना आएगा 1 आएगा, 1 मैं लिख सकता हूँ या x लिख सकता हूँ 1, क्योंकि मैंने x मान लिया है x, और यहाँ पे क्योंकि 1 आया या x आया तो x के बराबर यहाँ कितना बताया जा रहा है 3, तो हमें ये पता चल गया कि x का मान कितना होता है 3। अगर x का मान 3 होता है तो मैं आपसे पूछूं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 24 जो पहले दिया गया है 24 को 3 से गुणा कर लेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी 24 × 72,
दूसरी संख्या दिया गया 25 और 25 को अगर आप 3 से गुणा कर लेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी 75। अब आपसे कहा गया उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो आप 72 और 75 का लासा निकाल के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब आपको 72 और 75 का क्या निकाल लेना है, लासा। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं 72 और 75 का लासा, कुछ भी करना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखा भी दे रहा हूँ, दो से काटूंगा 36 बार में, दो से नहीं कटेगा दोस्त, ये तीन से कटेगा, तीन से काटूंगा इसे, तीन एक कम तीन, और सॉरी दोस्त, तीन दुनी छः और तीन चौक 12, तीन दुनी छः और तीन पच्चे 15। अब ये खुद नहीं कटेगा 24 25, तो कितना आ जाएगा, 3 × 24 × 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का गुणनफल 30 72 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है जिसका कहते हैं लासा गुणे मासा, और ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 3072 है बराबर, और उनका लघुत्तम समापवर्तक लासा 96 है, तो मासा ज्ञात करना है, तो हम यहाँ यक्ष लिख सकते हैं, और 96 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो हमें मासा मिल सकता है, ये पता है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो कितनी बार में कटेगा, अगर ये 96 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें पता है, ये नीचे यहाँ 96 लग जाएगा और ये हट जाएगा। इसे काटूंगा अगर 3 बार में तो 3 × 6 = 18 होगा, और 3 × 9 = 27 कितना हो जाएगा, 28, 288, और 288 में 12 × 7 कितना बचा, 19, 12 × 7 = 19, और 19 में 192, और 192 कितनी बार में कट रहा है, ये 192 दो बार में, तो 96 × 96 = 32, ये 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 32 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लासापा 270 और उनका मासापा 9 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे अभी अभी बताया कि जो लासा गुणे मासा होता ही है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर, तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या ऑलरेडी बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, 270 गुणे 9 कर देंगे, तो हमें इसके बराबर खुद मिल जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 9 × 0 = 0, 9 × 7 = 63 और 9 × 2 = 18, 6 = 24 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 540 है और उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमें पहले बताया गया है लासा गुणे मासा कितना है, 540। अगर हमें पहले पता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब लासा मासा कितना दिया गया है, 540 बराबर, यहाँ पे क्या है, उनमें से एक संख्या क्या है 60 है, और दूसरी संख्या नहीं पता है, मैं वैसे लिख दूंगा, 60 से इसे काट दूंगा, कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, तो दूसरी संख्या का मान आ गया 9, 9 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 180 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। अब आप ये देखिए, व्युत्क्रम किसे कहते हैं, पहले आप ये समझिए, अगर यहाँ x लिखा है और मैं इसका कहूँ व्युत्क्रम आप बताइए, तो आप इसे 1/x लिख दीजिए, मतलब कि इसे उल्टा लिख दीजिए। अगर कहीं y लिखा है,
मैं आपसे पूछूं इसका व्युत्क्रम क्या है, आप कहेंगे 1/y का व्युत्क्रम होगा। किसी शब्द या किसी अक्षर या किसी संख्या को उल्टा कर देना ही व्युत्क्रम कहलाता है। अब सवाल पे आएंगे, दो संख्याओं का योग 50 है, अगर दो संख्या नहीं पता कौन कौन सा, मैं मानता हूँ एक्स और वाई, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 50 है, और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 180 है। देखिए, एक संख्या मैंने x माना और एक संख्या मैंने y माना, इनका कितना है 5 और 180 है, तो x और लासा गुड़े मासा होता है, तो 180 5 अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, दो सॉरी क्योंकि गुणा है, 18 × 5 = 90, ये 900 हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये कर लिया, यहाँ पे योग कहा गया मैंने योग कर लिया, यहाँ पे गुणा कहा गया मैंने गुणा कर लिया, मैंने संख्या क्या माना था x और एक संख्या मैंने क्या माना था y। अब इसका व्युत्क्रम करना है, एक्स वाई का व्युत्क्रम आप कहेंगे क्या होगा, एक्स वाई का व्युत्क्रम होगा 1/x और प्लस 1/y। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि कहा गया संख्या के व्युत्क्रम का योग, 1/x प्लस 1/y योग कहा गया, इसलिए मैंने यहां पर योग रखा है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप, x और y का अगर आप लासा लेंगे तो क्या होगा, x और y ऑलरेडी, x को x से काटेंगे बचेगा y, और y को y से काटेंगे बचेगा x, तो ऊपर क्या आया y प्लस x और नीचे क्या आया एक्स वाई, तो आपका सवाल बस लग चुका है, y प्लस x या x प्लस y ऑलरेडी दिया गया है 50, तो हम रख देंगे 50। नीचे एक्स वाई दिया गया है, मतलब एक्स वाई का गुणा, और एक्स वाई का गुणा यहाँ दिया गया 900, तो हम यहाँ रख देंगे 900। अब काट दीजिए 5 × 5, 90 काटेंगे 18 बार में, तो 1/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। दोस्त चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह वीडियो आपको डेली मिलेगी, और मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन लेना है तो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि मैं वही प्रश्न कवर करवा रहा हूँ जो UPSI UPP फार्मैन जेल वार्डर में अब तक बने हैं और आगे बनने की संभावनाएँ हैं। इस वीडियो में अगर 100 लाइक आ जा रहा है दोस्त, तो आपको मैं बताता हूँ इसी तरह जो सीरीज चलाई जा रही है पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर नाम का PDF आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, संख्या नहीं पता है, अगर मैं महत्तम समापवर्तक को x मान लेता हूँ और लघुत्तम समापवर्तक उसका 25 गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25x। अब मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें पता लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मैंने बार बार आपको बताया, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान ऑलरेडी दिया गया है 16,900, तो मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के स्थान पर लिख सकता हूँ 16,900। आप इसे काट भी सकते हैं, पहले मैं इसे थोड़ा नीचे मिटा दूं जिससे आपको समझ में आए क्या हो जाएगा 16,900। 25 से इसे काटेंगे कितनी बार में कटेगा, तो आप देखेंगे 25 × 150, 19 × 25 = 175, और फिर ये कटेगा 25 × 150। अब यहाँ x और x बचा, x x का मतलब होगा x स्क्वायर, 2x² = 676, और इस स्क्वायर को अगर हटाया जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना, 676 किसका वर्गमूल है, आप कहेंगे ये है 26 का, किसका है 26 का। अगर x का मान 26 आ गया है तो मैंने लघुत्तम समापवर्तक कौन माना था 25x को, क्योंकि महत्तम समापवर्तक x था और लघुत्तम समापवर्तक 25x था, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 25 × 26 कर देना है, क्योंकि x का मान आया है 26 और ऑलरेडी 25 गुना कहा था, तो 25 × 26 कितना हो जाएगा ये आपको देखना है।
तो 25 × 26 होता है 650, जो कि ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा या मैं चेक कर लेता हूँ। 25 × 150 के जीरो, हासिल 15, 25 × 50 और 50 × 15 = 65, 650 जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 280 है, तो संख्याओं का पता लगाएं। देखिए यहाँ पे नहीं पता संख्या क्या है, ये अनुपात में दिया गया, तो मैं मान लेता हूँ एक है 7x और एक है 8x, इनका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो हमें पता है एक है सम है एक है विषम है, और इनका दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 7×8 = 56x जो हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और यहाँ आया 56x और बताया कितना जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक 280, तो ये कितनी गुना है आपको देखना है, तो ये है 5 गुना, क्योंकि अगर काटेंगे 5 बार में तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5, अगर x का मान 5 आ गया है तो एक संख्या 7x थी और एक संख्या 8x थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो x दिया गया है उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, x का मान 5 आया तो 7×5 और एक था 8×5, तो 7×5 = 35 और 8×5 = 40, इसका करेक्ट आंसर 35 = 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरी के तुलना में 14 अधिक हैं तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें पता है लासा × मासा क्या होता है, लासा × मासा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि लासा कितना दिया गया है 60 और मासा कितना दिया गया है 2, ये बराबर है इसके पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में क्या कहा गया है, अगर एक संख्या x है तो दूसरा तरह क्या है x + 14 है, क्योंकि दूसरा कहा गया है 14 अधिक है। तो आप क्या करेंगे कि हमें 60 × क्या हुआ 120, अगर मैं x के मान पर क्या धर दूं, x के मान पे क्या रख दूं कि मेरा इधर भी गुणा करने पे 120 आ जाए, 120 आ जाए। तो आप ऑप्शन से इसे करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है, थोड़ा सा काटना पीटना पड़ जाएगा। अगर आप 4 रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 14 × 4 क्या हो जाएगा 18, 18 × 4 होगा 72 जो कि 120 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अगर मैं 6 रखता हूँ तो x के मान पर 6 और यहाँ 14 × 6 जोड़ूंगा हो जाएगा 20, तो 20 × 6 क्या होगा 120 जो कि इसके बराबर आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 56133 है और उनमें से एक संख्या 1/7 = 27 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करें। देखिए हमें पता है कि क्या होता है कि लासा × मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की, ये मैंने आपको बता दिया। अब लासा × मासा कितना दिया गया है 56133, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 1/7 = 27 है, 1/7 = 27 मतलब क्या होता है, क्या होता है बराबर का तिरछा गुणा होता है 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, 14 × 4 = कितना होता है 18, 7 × 7 = 9, 7 × 2 = 14, 4 = 18, तो पहली संख्या निकलाई कितना हो गई 189, 189 मैंने लिख दिया, और दूसरी संख्या का 1/3 अभी दूसरी संख्या नहीं पता है तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ, क्योंकि जैसे पता चल जाएगा उसका मुझे 1/3 ज्ञात करना है, बस इसे हमें काट देना है। और अब हम इसे अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 189 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है,
ये 2 बार में कटेगा, उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा घटाएंगे तो लगभग 9 बार में फिर जाएगा, उसके बाद फिर ये कितनी बार में कटेगा 7 बार में। आप काट के चेक कर लीजिएगा, आप काट के चेक कर लीजिएगा। अब यक्स का मान कितना आ गया 297। अगर यक्स का मान 297 आ गया मतलब कि दूसरी संख्या का मान 297 आ गया। अब दूसरी संख्या का मान अगर 297 आ गया तो उसका 1/3 ज्ञात करना है। निकाल दीजिए 3 × 9 = 27, 2 इसमें गवा और 3 × 9 = 27, फिर काटेंगे 3 × 9 = 27 कितना है 99। तो दूसरी संख्या का 1/3 कितना होगा 99, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 375 है और महत्तम समापवर्तक 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए लघुत्तम समापवर्तक 375 है मैंने लिख दिया और महत्तम समापवर्तक 25 है ये भी लिख दिया, और यहाँ होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। एक संख्या इसमें दिया गया है, एक संख्या कितना दिया गया है यहाँ पे 75, मैंने 75 लिख दिया। दूसरी संख्या नहीं पता है तो आप चाहे 2 लिख दीजिए चाहे एक्स लिख दीजिए। अगर आप इसको काटना है तो आप काट दीजिए, 25 को से इधर काट देंगे 3 बार में, 3 से इधर काट देंगे 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। दूसरी संख्या निकल के आ गई कितनी आ गई 125। पहली संख्या ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कितना 75, अब पहली 75 है दूसरी आ गई 125। कहा क्या गया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात, काट दीजिए 25 × 75, 25 × 5 = 125, 3 : 5 इसका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। ये थे एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं, और लगभग 5 से 10 प्रश्न बच रहे हैं जो थोड़ा सा यूनिक लेवल के हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा जब अगला चैप्टर आएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। बस एक छोटी सी टारगेट है कि इस वीडियो में 100 लाइक आ जाए, बस एक छोटी सी यही टारगेट, अगर आप पूरा कर देंगे तो आपको जो सीरीज चलाई जा रही है पूरी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।